तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा राज्यव्यापी 24 घंटे का अनशन आंदोलन कर रही है। नागपुर संविधान चौक में शुरुआत होने जा रहा है इस अनशन का। ग्रामीण विभाग के लोग आज रास्ते पर उतरकर अपना अनशन का प्रदर्शन करेंगे। 24 घंटे का अनशन प्रदर्शन किया जाएगा। सोबतच आंदोलन करीत असलेल्या एनआयटीचा गार्ड बहिणींनो आणि बंधूंनो आंदोलन आपण या काळात करत नागपूर जिल्हा कौन्सिल के तरफ से ये 24 घंटे का उपोषण आया यहाँ दोपहर 12 बजे तक प्रारंभ हुआ। इसके पीछे मांगों के पीछे का मकसद ये है कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि मोदी सरकार आने के बाद इस देश के किसानों पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये कोरोना के पीरियड में ही 3 किसानों के खिलाफ अध्यादेश निकाले कोरोना के काल में, और इसी तरह हम देख रहे हैं कि हमारी देश की जो मंदी बता रही है, मंदी के कारण बाजार में उठाव ऐसे अर्थशास्त्री ये बोलता है कि ऐसे तो लोगों के हाथ में पैसा मिला था। हमारी मांग है कि पुरुष के हर परिवार को 7,500 रुपया महीना और 10 किलो अनाज उनको मुफ्त मुहैया किया जाए, जिससे लोग अपना जीवन यापन कर सके और बाजार में मांग बढ़ सके। दूसरी बात यह है कि किसानों को और खेत मजदूरों को मासिक 10,000 रुपये पेंशन मिल सकता है। तीसरी बात है कि हमारे देश में सालों लड़ने के बाद आदिवासियों को और अन्य पारंपरिक निवासियों को वन अधिकार कायदा 2006 की प्राप्ति, जिसके तहत 2005 के पहले का अगर अतिक्रमण होगा तो उसको 5 एकड़ का जमीन का पट्टा देने की बात है। मोदी सरकार आने के बाद पिछले 6 साल से हजार प्रकरण प्रलंबित थे। नागपुर में NGO कार्यालय ने रिजेक्ट करने के बाद कलेक्टर के पास अपील, करीब करीब